अरे रॉकी बेटा, मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद किया है। इस मोबाइल से उसका फोटो है, तुम ध्यान से उस लड़की को देख लो। माँ, आपकी पसंद मेरा पसंद, मैं और क्या देखूं? नहीं बेटा, तुमको भी देखना है। फिर रॉकी लड़की को देखती है और उसका पसंद हो जाती है। अगला दिन टूनी चिड़िया उसका बेटा रॉकी कबूतर के साथ लड़की के घर जाता है। देखो टुनटुनी बहन, मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है। मेरे बेटे तुम्हारी बेटी को भी पसंद किया है। मैं मेरा बेटा रॉकी के लिए तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। ये मेरा बेटा रॉकी है। यदि तुम पसंद करती हो तो मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। क्यों नहीं टूनी बहन, मेरे को आपका बेटा बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ही लायक बच्चा है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारी बेटी के साथ शादी करना ठीक होगा। तो आप जब भी चाहे बारात लेके आ सकते हैं। आज से मेरी बेटी पिंकी आपकी बेटी हुई। जब चाहे आपका घर ले जा सकते हो। पिंकी और रॉकी कबूतर की शादी हो जाता है। रॉकी पिंकी से वादा करता है कि वो खुश हमेशा रखेगा और उसका जरूरत का ख्याल रखेगा। शादी का कुछ दिनों का बाद, अरे पिंकी, शादी का बहुत दिन हो गया, घर घर में खाना सब खत्म हो गया है। मैं बाहर जाता हूँ, जो कमाऊंगा तुमको लाके दूंगा। आज मेरा शादी का पहला दिन कमाने जा रहा हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। रॉकी कबूतर काम पे चला जाता है तो पिंकी रॉकी कबूतर के लिए बहुत मज़ेदार खाना बनाता है ताकि रॉकी कबूतर खुश किया जाए। रॉकी जब घर वापस आता है वो देखता है कि पिंकी उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है। रॉकी कबूतर बहुत खुश हो जाती है और खाना खाने का बाद वो रॉकी कबूतर और ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो खाना बहुत ही स्वादिष्ट थी। रॉकी कबूतर पिंकी का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि पिंकी उनकी घर जन्नत बना दी है। रॉकी का माँ वो भी बूढ़ा हो गया और रोसी कर नहीं सकते ये। इसीलिए दोस्तों, माँ बाप जो उसका औलाद के लिए जो फैसला करती है वो बिल्कुल सही फैसला करती है।